ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पार भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वहाँ पे वीज़ा भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो उसका मैं डिटेल दे देता हूँ। सो बस में जो को पैसेंजर्स मिले चाइना से फुजियान डिस्ट्रिक्ट, राइट? शेंजन बस हाउ मच? 150 शेंजन पे। अच्छा, वेयर आर यू फ्रॉम? अरे क्या बात कर रहे हो, है गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल सीरीज में जो कि बहुत स्पेशल है, एक्साइटमेंट से भरी है। अब हर ट्रिप एक्साइटमेंट से ही भरी होती है, लेकिन ये ट्रिप ना एक्साइटमेंट के साथ साथ क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा से भरी है। अब आप बोलोगे कि प्रतीक भाई हांगकांग जा रहे हैं, मकाऊ जा रहे हैं, 2019 में भी ऑलरेडी जा चुके हैं, व्लॉग्स भी देखे होंगे आप लोगों ने, तो क्या ही क्यूरियोसिटी, क्या ही जिज्ञासा। लेकिन ये ट्रिप स्पेशल इसलिए ना क्योंकि इस ट्रिप में हम हांगकांग मकाऊ के साथ साथ मेनलैंड चाइना भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे को 2 दिन पहले ही टूरिस्ट वीज़ा लगा है चाइना का, जिसकी वजह से ये जो लंबी ट्रिप है ना, इसमें हांगकांग मकाऊ के साथ साथ हम चाइना को भी अच्छे से जानेंगे, परखेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ऑल्दो हांगकांग मकाऊ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन मेनलैंड चाइना में जाके अनुभव करना अलग ही मजा होता है। तो सबसे पहले आप लोगों का गले मिलकर स्वागत कर लेता हूँ। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। चलो, तो बातें तो बहुत हो गई, अब इन्फॉर्मेशन देने का वक्त आ गया है। आई मीन जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हांगकांग ट्रैवल करने के लिए वगैरह, है ना। देखो, चाइना वीज़ा का ऐसा है कि इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, 2 दिन पहले ही, हालांकि मेरे को टूरिस्ट वीज़ा तो लग गया है, मैंने 4 मई को अप्लाई किया था, 20 दिन का वेटिंग लगा था, अपॉइंटमेंट मेरे को 24 मई की मिली कॉन्सुलेट ऑफिस में, बिकॉज मुंबई में है, दिल्ली में है और कलकत्ता में है, 3 जगह ही है इंडिया में कॉन्सुलेट ऑफिस फॉर चाइना, तो मुंबई में रहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन का मेरे को वेटिंग लगा और 24 मई को मिल गया अपॉइंटमेंट, 29 मई को हाथ में आ गया वीज़ा। आज 31 मई जो मैं फ्लाई कर रहा हूँ रात को हांगकांग, और कल सुबह 1 जून को पहुँच जाऊँगा हांगकांग। ये वीडियो शायद 3 या 4 जून को आएगी, वही बात है। एनीवेज, तो चाइना वीज़ा का मैं जो भी डिटेल्स है, बड़ा सा प्रोसीजर है टूरिस्ट वीज़ा का, वो मैं कब बताऊँगा, जब हम हांगकांग से 6-7 दिन बाद जाएंगे ना बाय बुलेट ट्रेन या फिर बाय बस चाइना मेनलैंड, तो वो वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि चाइना का टूरिस्ट वीज़ा इजीली कैसे मिलता है। ये वीडियो में हम हांगकांग जा रहे हैं, जाहिर सी बात है मैं हांगकांग का आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स से हांगकांग ट्रैवल कर सकते हो, जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट है ना, जिसकी मदद से आपको हांगकांग में 14 दिन का ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पार भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वहाँ पे वीज़ा भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो उसका मैं डिटेल दे देता हूँ। तो अगर हांगकांग मकाऊ जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार, एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सच कह रहा हूँ, ना ट्रैवल इंश्योरेंस, ना कोविड रिपोर्ट, ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगते, ना मेरे से होटल बुकिंग मांगी गई, ना रिटर्न फ्लाइट मांगी गई, कुछ नहीं मांगी गई। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के एयरपोर्ट में, मुंबई से दिल्ली मैंने फ्लाई करी थी एयर इंडिया में, और वही एक ही एयरलाइन है एयर इंडिया से वापस, 4 घंटे का बीच में हॉल्ट था और मैं हांगकांग की फ्लाइट पकड़ रहा हूँ। 2 घंटा मैंने लाउंज में बिताया यहाँ पे दिल्ली में, और सच कह रहा हूँ दिल्ली का इंटरनेशनल लाउंज मुंबई के कंपैरिजन से अच्छा है। एनीवेज, बैक टू टॉपिक आते, मैं ये कह रहा हूँ कि हांगकांग का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आपको कैसे मिलेगा, तो आप गूगल पे जाके हांगकांग पार फॉर इंडियंस लिखना तो आपको लिंक आ जाएगा। 1.5 मिनट लगाता हूँ लेकिन वो पूरा प्रोसेस करके ही बताता हूँ ताकि क्या आपको ईजिली समझ आए। तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हो हांगकांग पार फॉर इंडियंस, तो ऐसा वेबसाइट खुलता है imd.gov.hk, अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, फिर पेजेस खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको सिर्फ टिक करके स्टार्ट करना है, दैट्स इट। और आप फोन से भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, भले ही प्रिंटर एडोब रीडर कुछ भी नहीं हो, फिर भी टिक करने का और कंटिन्यू करने का, वापस ये टिक करने का, आई हैव रेड अबव इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, एंड कन्फर्म करने का, फिर पेजेस खुलना स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें आपको आपके डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नाम हो गया, सरनेम हो गया, जैसे कि पासपोर्ट का फोटो भी दिया है कि सरनेम किधर है, नाम किधर है, तो उस हिसाब से आपको डालना है। फिर वही आपके पर्सनल डिटेल्स कि आपका कोई अदर नाम है क्या, इंडियन हो तो सेक्स क्या है, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको आपके पासपोर्ट पे भी मिल जाएगी। एड्रेस भरना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ना एरिया कोड में कन्फ्यूज मत होना, 91 ही डालना, ठीक है, और पासपोर्ट नंबर डालना है, पासपोर्ट के जो भी डिटेल्स है वो डालना है। फिर क्या आप हांगकांग गए हो पिछले 3 साल में, तो नो करना, मैंने भी नो किया बिकॉज मैं 2019 अक्टूबर में गया था जो कि 4 साल होने को आ गया। फिर लास्ट 3 सालों में आप कौन से देश गए हो, अगर नहीं गए हो तो ब्लैंक छोड़ना। फिर आप क्या करते हो काम, तो मैंने यूट्यूबर लिखा था, आप अगर बिजनेसमैन कुछ भी लिख सकते हो, पर्पस ऑफ विजिट टूरिज्म, पर्पस ड्यूरेशन ऑफ स्टे, तो मैंने 7 दिन लिखा था। एड्रेस अगर आप लिख सकते हो, जैसे कि होटल बुकिंग आपका जो भी है booking.com है, तो होटल का एड्रेस लिख देना। एनी लोकल कनेक्शन इन हांगकांग, तो मैंने तो नो किया था बिकॉज मैं किसी को नहीं जानता हांगकांग में, तो नो करोगे तो कुछ डिटेल डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर इस सारी चीज़ों में नो करने का कि आप क्या उधर इलीगल एक्टिविटी करोगे क्या वगैरह, तो नहीं करने का। अब ये जो है ना, ये पार्ट एक क्वेश्चन डाल देने का अपने हिसाब से, और आंसर कुछ भी डालने का, और वैलिडेशन करने का, बस दैट्स इट।
बस तो आप जैसे ही वो वैलिडेट करते हो तो ऑन द स्पॉट आपको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल पार का आ जाएगा, और अगर आप लैपटॉप या पीसी से कर रहे हो तो ऑन द स्पॉट आपका प्रिंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, जिसके वजह से आप अपना सक्सेसफुल पार प्रिंट आउट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप फोन से फिल कर रहे हो फॉर्म तो फिर प्रिंट कैसे निकालोगे? तो जो आपने लास्ट में क्वेश्चन और आंसर भरा ना, तब काम आता है। जब आप साइबर कैफे में जाते हो या फिर अपने लैपटॉप में प्रिंट निकालने के लिए जाते हो, तब गूगल में सर्च करते हो हांगकांग पार प्रिंट, तो जो लिंक खुलती है तो उसमें चार चीज़ें पूछी जाती है जब आप प्रिंट निकालोगे, तो आपका पासपोर्ट नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने जो क्वेश्चन डाला और जो क्वेश्चन का आंसर डाला, तब वो काम आता है प्रिंट निकालने में। एनीवेज, अगर सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल पार की बात करूँ तो कैसा होता है कि जिसका पासपोर्ट इश्यू मुंबई से हुआ ना, उसको कभी इश्यू नहीं आता है, आई मीन सक्सेसफुली आता है लगभग। लेकिन जिसका पासपोर्ट इश्यू कोलकाता, हैदराबाद या फिर पंजाब से हुआ है, चंडीगढ़ से हुआ ना, उनको इश्यू आता है, जहाँ तक मैंने सुना है उनका हमेशा अनसक्सेसफुल आता है। इसका रीज़न ये है कि जब वो क्षेत्र से लोग गए रहेंगे तो वहाँ पे इलीगली रह गए या फिर वापस आए नहीं रहेंगे, जिसके वजह से हांगकांग की सरकार वो पर्टिकुलर क्षेत्र को ब्लैकलिस्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये पंगा होता है। तो जैसे ही आप ट्राई करते हो और अनसक्सेसफुल कभी आता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि चाइनीज कॉन्सुलेट ऑफिस में जाके अप्लाई करना। तो बहुत हो गई बात और हो भी गई है रात। आई नो, आई मीन आपको बोर मारता रहेगा बिकॉज कब से बोले जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैंडेटरी भी था। वही बात है, अभी ये जो मेरी एयर इंडिया की फ्लाइट है ना, ये 5.5 घंटा लगाएगी दिल्ली से हांगकांग की। कल सुबह 8 बजे के आसपास लैंडिंग होगी हांगकांग में। अगर रेट की बात करूँ तो मेरे को 23,000 रुपया लगा, 10 दिन पहले ही बुक किया था, मुंबई दिल्ली हांगकांग, मतलब मुंबई से हांगकांग, ये 23,000 रुपया लगा मेरे को। जैसे ही गेट के यहाँ पे पहुँचा तो देखा कि पब्लिक को पैसेंजर भड़की हुई थी बिकॉज 1.5 घंटा फ्लाइट डिले थी। ये देखकर मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन एक सब्सक्राइबर भाई से मिलके मेरा दिमाग ठीक हो गया। फिर वो वक्त आ गया था जब हम फ्लाइट में उड़ान भरने वाले थे और एयर इंडिया हमें बुला रही थी कि आ जाइए और सवार हो जाइए, मतलब वही बात है। एनीवेज, सीट पर बैठे तो देखा कि हमारा टीवी है ना, चल ही नहीं रहा था। लेकिन रात की फ़्लाइट थी इसलिए दिक्कत नहीं, बिकॉज मेन तकिया और ब्लैंकेट चाहिए था सोने के लिए, और वो था, है ना। कुछ समय बाद हमारा खाना आ गया, जिसकी वजह से मुझे उठना पड़ा। खाना ठीक ठाक था वैसे, देख ही लो। और उसके कुछ समय बाद एयरलाइन क्रू ने हमें पकड़ा दिया इमिग्रेशन का अराइवल डिपार्चर फॉर्म, जो कि बहुत इजी था। उसके कुछ समय बाद खिड़की में देखा तो हांगकांग भी आ रहा था, मतलब सारी चीज़ें आ ही रही थी, कुछ जा नहीं रहा था, तो अच्छा लग रहा था। वैसे ये नज़ारा भी अच्छा ही लग रहा है। तो हम फाइनली पहुंच गए हांगकांग की धरती पर, बैगेज वगैरह भी ले लिया, इमिग्रेशन ऑफकोर्स हुआ तभी तो बैगेज वगैरह लिया, सारी चीज़ें हो गई। सुबह के बजे है 10 और हांगकांग 2.5 घंटा आगे है इंडिया से, मतलब इंडिया में कितने बजे कर लो कैलकुलेट, 7:30 बजे हो गए सुबह के, वही बात है। एनीवेज, सुबह 8:30 बजे लैंडिंग तो हो चुकी थी, लेकिन दिक्कत ये हुई ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, और मेरे साथ ही नहीं काफ़ी इंडियंस के साथ, बिकॉज पार में एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी प्लेस ऑफ इश्यू की, पासपोर्ट इश्यू की, भाईंदर महाराष्ट्र के बदले थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से अटका के रखा, और फिर वापस मैंने पार हाथों हाथ मोबाइल से भरा, सक्सेसफुल आया, उन्होंने प्रिंट आउट करके 15 मिनट और बिठाया, क्योंकि उनके सिस्टम में 15 मिनट लेट आता है, जैसे आप पार भरते हो 15 मिनट लेट आता है। तो फिर वापस बैठा, फिर फ्रेश हुआ, ये सब किया, बैगेज लिया, सारी चीज़ें हो गई। वही बात है कि देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन मैं ये बता दूं कि पार में अगर कभी भी आपका छोटा सा मिस्टेक होना तो भी आप रुका के रख देते हैं और वो रेक्टिफाई करना पड़ता है, मतलब वापस पार भराएंगे आपसे। लेकिन अगर बड़ी प्रॉब्लम हो तो सच कह रहा हूँ, वो भी मौका नहीं देंगे, आपको भेज देंगे वापस, या फिर बोलेंगे कि भाई आपकी फ़्लाइट कंपनी से बोलो हेल्प करने को, बैक टू इंडिया भेजने को, दैट्स इट। तो वो हमेशा ध्यान रखना, पार जब भी भरो अच्छे से भरो। और डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ कि क्या पूछते हैं इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन में नहीं मांगते, जैसे आप फ्लाइट से बाहर आते हो ना तो 3-4 बंदे ऐसे खड़े रहते ऐसा गोलकीपर की तरह, तो बोलते हैं अरे भाई इधर आओ इधर आओ, कितने दिन के लिए आए हो और क्यों आए हो और जाने की टिकट बता दो, दैट्स इट। तो मेरे पास तो जाने की टिकट नहीं थी, बिकॉज जाहिर सी बात है मैं यहाँ से चाइना जाऊँगा ट्रेन से, और चाइना से मैं कब इंडिया जाऊँ मेरे को नहीं पता। तो लेकिन मेरे को पता है इमिग्रेशन में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से मैंने होल्ड वाली टिकट करा दी थी, मतलब वो जो आप बोलते हो ना डमी डमी, एक्चुअली वो डमी टिकट नहीं होती टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो 72 आवर्स तक वैलिड रहती है ना ऑन होल्ड की, और 500 रुपये में बन जाती है। आपको भी डिस्क्रिप्शन में वो कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता हूँ, व्हाट्सएप डिटेल्स दे देता हूँ, व्हाट्सएप से उनसे पूछ सकते हो जब भी आपको चाहिए ऐसी होल्ड वाली टिकट आपके वीज़ास के लिए वगैरह जो भी है इमिग्रेशन के लिए, है ना। तो बस 500 रुपये में मेरा काम हो गया। अच्छा, मतलब आपको हांगकांग सिटी सेंटर में नहीं जाना है और हांगकांग एयरपोर्ट उतरने के बाद डायरेक्ट, अगर आपके पास चाइना का वीज़ा है ऑब्वियसली, तो ही चाइना जाना है, शेंजन जाना है, तो भी यहाँ पे सुविधा काउंटर्स लगे हुए हैं। शेंजन बस हाउ मच? 150 शेंजन पे। अच्छा, शेंजन पे 150 हांगकांग डॉलर।
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं, बिकॉज अभी मेरे पास यूएस डॉलर है, 800 यूएस डॉलर लेके आया हूँ। 20 डॉलर ही करूँगा, बाबा एयरपोर्ट है, रेट्स तो गंदे मिलने वाले। 20 डॉलर करूँगा, सिटी सेंटर पहुँचूंगा, वहाँ पे सिम कार्ड खरीदूंगा सस्ते में, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करूँगा अच्छे रेट में, वही बात है। थोड़ा सा कर लेते एक्सचेंज, फिर ऑक्टोपस कार्ड ले लेते, बिकॉज यहाँ पे ऑक्टोपस कार्ड चलता है, जो कि बस में चलेगा, मेट्रो में चलेगा, 7-Eleven स्टोर्स में चलेगा, काफ़ी जगह चलेगा। लेकिन वहाँ पे भी हमें चलना है पहले, बिकॉज वो रही ग्लोबल एक्सचेंज और सारे एक्सचेंज शॉप्स। TUSD या हाउ मच? ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? पाकिस्तान। अरे क्या बात कर रहे हो जी, सच में मेरे को ऐसा लगा, इसलिए मैं सोचा पूछ लूँ, लाइक अफगानी या पाकिस्तानी, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। पाकिस्तान। हिंदी तो समझ रहे हो ना आप जी। अच्छा जी, शुक्रिया जी। गूगल के हिसाब से 152 डॉलर के 154 होता, लेकिन 146 मिला है। या सो 89 डॉलर। ये देखो सारे साइंस दिए रहते हैं कि टैक्सी इस तरफ, बस उस तरफ, तो दिक्कत होती नहीं। और सामने एयरपोर्ट लिंक, मेट्रो आप बोल सकते हो, जो फास्टेस्ट पहुंचाएगी आपको। एनीवेज ऑक्टोपस कार्ड की अगर बात करूँ तो 89 हांगकॉन्ग डॉलर का लगता है, जिसमें 50 हांगकॉन्ग डॉलर बैलेंस रहता है, 3 साल की वैलिडिटी रहती है, और फिर जहाँ रिचार्ज जो मर्जी करा सकते हो, 7-Eleven स्टोर्स में करा सकते हो, जो काउंटर्स रहते हैं ना मेट्रो स्टेशन वगैरह में, वहाँ पे करा सकते हो। और वो मेट्रो में भी चलेगा, बस में भी चलेगा, 7-Eleven स्टोर, मतलब बहुत जगह चलता है, वही बात है। तो ऑक्टोपस कार्ड ले लिया ताकि कि कोई दिक्कत हो ना, किधर भी ट्रैवल करूँ, मेट्रो वगैरह में लाइन में लग के टिकट लेने की जरूरत ना पड़े, है ना। 33 एंड टू वे? वन वे। टू वे टिकट हाउ मच? 55। बस तो एयरपोर्ट के बाहर ही है बस टर्मिनल भी, जहाँ से आप टिकट्स वगैरह ले सकते हो। 8:21 बस जाती है सिटी सेंटर शिमशाशुई में, पीछे सारे लगे हुई है, मतलब ये A10, A12, A13, A22 सारे के रूट्स लिखे हुई है कि कहाँ कहाँ स्टॉप्स लेती है, तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे डबल डेकर बस आपको दिख रही है, बस यही सारे बसेस जाती है हांगकॉन्ग में। फिर मैं आगे अपने बस स्टॉप के यहाँ पे 8:21 बसेस जहाँ से निकलती है हांगकॉन्ग सिटी सेंटर के लिए। बता दूँ कि मैंने कोई 33 डॉलर या फिर 55 डॉलर का टिकट नहीं लिया, इसका कारण ये कि ऑक्टोपस कार्ड ले चुका था ना, बस वही बात है। और वैसे भी रिटर्न टिकट मेरे को नहीं चाहिए थी, बिकॉज मैं हांगकॉन्ग सिटी सेंटर से ही ट्रेन पकड़ के शेंजन चाइना जाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप हांगकॉन्ग मकाऊ का ट्रिप कर रहे हो तो रिटर्न टिकट लेना सेंसिबल होगा, बिकॉज मात्र 55 डॉलर में पड़ेगा और वो रिटर्न टिकट 90 डेज तक वैलिड रहती है। बस में जो को पैसेंजर्स मिले चाइना से, फुजियान डिस्ट्रिक्ट राइट इन चाइना। आई विल डेफिनेटली प्लान टू कम फुजियान। मैं पहुंच गया हूँ अपने हॉस्टल में, जहाँ पे मैंने स्टे ले रखा है 5 दिन के लिए, 5 रात के लिए हांगकॉन्ग में। और इस तरीके का नज़ारा है गैलरी से, 15th फ्लोर पे हूँ, आप देख सकते हो। इनफैक्ट वो रही सबसे बड़ी बिल्डिंग हांगकॉन्ग की, स्काई ऑब्जर्वेटरी, जहाँ पे प्लान तो है जाने का, ऊपर टिकट लगती है और ऊपर रीड्स कार्ल्टन 5-स्टार होटल है, जिसकी वजह से आप कुछ खा पी सकते हो अगर उस हिसाब से बजट हो तो आपका, है ना। एनीवेज ये आप देख लो, शिमशाशुई का इलाका है, इनफैक्ट मेट्रो स्टेशन नीचे ही है शिमशाशुई अंडरग्राउंड। और अगर रेट की बात करूँ, ये अर्बन पैक इसका नाम है हॉस्टल का, मैंने booking.com से करी थी पेड, मैंने 3 रात का ही बुक किया है, $25 पर नाइट। आप सोच सकते हो मतलब कितना एक्सपेंसिव है हांगकॉन्ग, जिया बिल्कुल एक्सपेंसिव है। एनीवेज अभी रेस्ट वेस्ट करूँगा, बिकॉज 2 घंटा मेरे को वेट करना पड़ेगा चेक इन टाइम, और यहाँ पे ओनर रहते नहीं है, मैनेजर रहते नहीं है, यू नो, ताकि कि आप उनको कह सकते हो कि भैया दे दो ना अर्ली चेक इन, बेड वेड खाली है तो, नहीं ऐसा नहीं है। वो लोग उसी टाइम पे आते हैं जब चेक इन का टाइम रहता है, 2 बजे 2:30 बजे अगर टाइम है चेक इन का उसी टाइम आएंगे तो वो दिक्कत वाली बात है। लेकिन वो कोड वगैरह सब आपको बता देते हैं मैसेज में, ईमेल से, जिसकी वजह से आप कोड दबा के आ सकते हो हॉस्टल में, अपना सामान वामान रख सकते हो। तो ये 6 से 7 वीडियोस होंगे हांगकॉन्ग के और मकाऊ के, जिसमें अच्छे से हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद चाइना निकलेंगे। लेकिन ऐसा मत सोचना कि हांगकॉन्ग मकाऊ का वापस वीडियोस क्या ही देखना, क्योंकि सारे वीडियोस अलग रहेंगे जो पिछली बार मैं आया था 3-3.5 साल पहले, और जो जो चीज़ें नहीं की थी बिकॉज ऑफ बजट इश्यू, बिकॉज ऑफ यू नो, वो सारी चीज़ें करूँगा। जैसे कि डिज्नीलैंड नहीं गया था, इस दफ़ा हम डिज्नीलैंड कवर करेंगे, वो केबल कार से जाएंगे लैंटाउ आइलैंड, बहुत कुछ करेंगे, तो अमेजिंग से वीडियोस बनेंगे। मकाऊ में कैसिनोज के अनुभव करेंगे, बड़े बड़े कैसिनोज में जाएंगे, बड़ी बड़ी होटलों में जाएंगे, है ना, वो भी एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। और हांगकॉन्ग कितना महंगा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि $25 का हॉस्टल मिला है,
और सच कह रहा हूँ, सबसे साफ सुथरा में रेटिंग में इसी का आ रहा था ये रेट में। आप मान सकते हो 2200 रुपया प्रति रात का हॉस्टल, जबकि बेड वेड कुछ देखा भी नहीं है और ओनर से भी मुलाकात नहीं हुई है। चेक इन टाइम जब रहेगा तब आऊँगा। अब मैं क्या करता हूँ, बार बार निकलता हूँ, कुछ खा पी लूँगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि कितना महंगा है और क्या क्या रेट्स है हर चीज़ के। बिकॉज नेक्स्ट वीडियो यही तो होगा, हाउ एक्सपेंसिव इज हांगकांग, है ना। तो मिलते हैं ना फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी से मिली। यू ही बने रहिए इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, ये हमेशा मिलेगा मेरे चैनल में, है ना।